हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉटलक रेसिपीज। हमने अपनी पिछली रेसिपी वीडियो दाल पिट्ठा में आप सबके साथ आज की रेसिपी की कुछ झलक दिखाई थी। हमारी आज की रेसिपी मणिपुरी क्यूजीन की एक बहुत ही डिलीशियस डिजर्ट है, जिसका नाम है चाखाओ खीर, जिसे ब्लैक राइस पुडिंग भी कहा जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्लैक राइस पुडिंग। पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, इससे पॉटलक रेसिपीज की हर एक रेसिपी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी और ये बिल्कुल निशुल्क है। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी में ले एक कप ब्लैक राइस। ब्लैक राइस को मणिपुर के अलावा एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ब्लैक राइस का एक बहुत ही समृद्ध और सांस्कृतिक इतिहास है। इसे फॉरबिडन और एम्परर राइस भी कहा जाता है, क्योंकि इस चावल को केवल प्राचीन चीन के सम्राट के लिए बनाया जाता था। अब इसमें हम पानी डालकर इसको रात भर के लिए रख देंगे, कम से कम 10 घंटे के लिए। एक बड़े पतीले में 2 लीटर फुल क्रीम दूध लें। इसमें डालें 2 से 3 तेज पत्ते। अब इसको कम आंच पर उबालने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में चलाते रहें। जब दूध 30% से रिड्यूस हो जाए, तब इसमें हम डालेंगे रात को भिगोए हुए काले चावल। इसको हमने पानी से निकाल लिया है। ब्लैक राइस को पर्पल राइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चावल पकने पर एक गाढ़े बैंगनी रंग का हो जाता है। दरअसल इसका ये रंग इसमें मौजूद एंथोसाइनिन की वजह से होता है। कहा जाता था कि इस चावल का सेवन केवल चीन के राजघरानों में किया जाता था और उम्मीद की जाती थी कि ये चावल राजा के जीवन काल को बढ़ाएगा। इस चावल को सेवन करने की अनुमति आम जनता को बिल्कुल नहीं थी। काले चावल को अन्य चावलों के मुकाबले में ज़्यादा समय लगता है पकने में, इसलिए कई लोग इस डिश को तैयार करने के लिए पहले चावल को प्रेशर कुकर में तैयार कर लेते हैं और फिर उसको दूध में डालते हैं। पर हम इस डिश के लिए चावल को डायरेक्टली दूध में ही उबालेंगे और पकाएंगे, ताकि इसका टेस्ट भी बरकरार रहे और इसका कलर भी बहुत अच्छा आए। बीच बीच में अच्छे से चलाते रहें और गैस फ्लेम को लो पर ही रखें। काफ़ी देर पकाने के बाद इसके चावल को हम थोड़ा सा प्रेस करके चेक कर लेंगे कि ये पूरी तरीके से पका है कि नहीं। अगर थोड़ा आपको हार्ड महसूस हो तो इसको थोड़ा और समय लगेगा पकने के लिए। कम आंच पर ही रहें और बीच बीच में चलाते रहें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि काले चावल शरीर में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी ROS को कम करते हैं, जो कई बीमारियों के कारण है। ये चावल डायबिटीज़, सूजन, दिल के दौरे, एलर्जी और मोटापा भी कम करता है, कैंसर की वृद्धि को भी कम करता है और पाचन तंत्र का सुधार करता है, और कई स्वास्थ्य समस्याओं का रामबाण है ये चावल। अब हम दोबारा से चावल को चेक कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट पक गया है। इस चैनल पर हमारी अगली रेसिपी आसानी से पाए जाने वाली सब्जी की करी डिश है, जो आप ओकेजन्स और पार्टीज में बनाकर अपने गेस्ट्स को सरप्राइज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आने वाली सभी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब 4 से 5 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। इस समय गैस की फ्लेम को हाई कर लें और थोड़ी देर तक कंटिन्यूअसली चलाते रहें। चार से पांच मिनट बाद गैस की फ्लेम को वापस से लो मोड पे कर लें और इसको अच्छे से पकने दें। ये पुडिंग पकते पकते एक थिक कंसिस्टेंसी ले लेगा। अब अगले 5 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं कि पुडिंग एक
थिक कंसिस्टेंसी ले चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच पाउडर्ड कैश्यू नट्स यानी कि काजू का पाउडर। अच्छे से इसको मिला लें। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप नारियल का दूध। मणिपुर और मणिपुर के बाहर के लोग इस डिश को अलग अलग तरह से बनाते हैं। मैं जब इस रेसिपी को तैयार कर रही थी तो मैं इसको एक क्रीमी टेक्सचर देना चाहती थी और चाहती थी कि कुछ इंग्रेडिएंट्स टेस्ट में आए पर बाइट्स में नहीं, इसलिए हमने इसमें काजू के पाउडर और नारियल के दूध का इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी खोया यानी कि मावा। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो दूध था वो लगभग 50% से रिड्यूस हो गया है और इसका एक बहुत ही प्यारा क्रीमी कंसिस्टेंसी आ गया है। इसमें डाले थोड़े से धोए हुए किशमिश। अब इसमें हम इसका आखिरी इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। थोड़ी देर के लिए गैस की आंच को मीडियम से हाई पर रख लें और 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद गैस स्टोव को बंद कर लें। इसको रूम टेम्परेचर पर या हल्का सा ठंडा सर्व करें। गार्निश करें बादाम के साथ। कितना खूबसूरत रंग आया है इसका। इस चैनल पर हमारी अगली रेसिपी आसानी से पाए जाने वाली सब्जी की करी डिश है जो आप ओकेजन्स और पार्टीज में बनाकर अपने गेस्ट्स को सरप्राइज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आने वाली सभी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।